ये गोविन्दाय नमो नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ शान्तिः 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 हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय शक्तिय ईश्वरीय शक्ति को हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयनंद जी महाराज को सब साधु संतों को ऋषियों मुनियों को हमारे महान ग्रंथों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को और हम्बल प्रोस्टेशन टू दी ऑल पर वेडिंग ब्राह्मण टू आर वर्शिपफुल गुरु जी स्वामी ज्योतिर्मयनंद जी महाराज टू ऑल सेजेज एंड सेंट्स स्क्रिप्चर्स एंड टू दिटीवरी चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर नव वर्ष का इंग्लिश न्यू ईयर कैलेंडर है वैसे हमारा भारत का तो लूनर uh, कैलेंडर के हिसाब से चलता है लेकिन ठीक है अभी ये भी मंगल है ऑल डेज आर गुड सो एवरी डे शुड बी न्यू ईयर डे फॉर अस एवरी मॉर्निंग शुड बी उसके लिए फिर भी जब ऐसा कैलेंडर चेंज होता है तो हम कुछ ना कुछ रिजोल्व लेते हैं तो ये एक अच्छा समय है सोचने के लिए कि हम अपना आध्यात्मिक कल्याण कैसे करें तो स्वामी जी का भी हम आशीर्वाद ले लेते हैं स्वामी जी सेल्फ एडोरेशन ग्रीटिंग्स फॉर द न्यू ईयर स्ट्राइव टू मेक दिसर अर ऑफ स्पिरिचुअल तो हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए कि जहां जिस सीढ़ी पर हम थे वहां से बहुत ऊंचा चढ़े हर साल आगे प्रोग्रेस करते रहें जैसे हम विद्या प्राप्त करते हैं परीक्षा देते हैं फिर अगली श्रेणी में जाते हैं फिर पिछला हमें कंठस्थ हो जाता है इसी तरीके से हम अपना आध्यात्मिक उन्नति भी ऐसे ही करते रहें प्रमोट हार्मोनी इन योर लाइफ अपने जीवन में समत्वम और जिसको हार्मोनाइजेशन बोलते हैं वो लेके आ जाइए ब्रिंग बैलेंस एंड रिदम बहुत आवश्यक है कि कोई चीज बहुत ज्यादा कोई चीज बहुत कम नहीं होना चाहिए जैसे गाड़ी के चारों पहिए में हवा ठीक रहनी चाहिए एक में बिल्कुल कम एक में बहुत ज्यादा तो गड़बड़ तो इसीलिए रिदम में रखना और उसमें सब चीजों को संतुलन में रखिए और एक दैनिक दिनचर्या बना लीजिए वट इज योर डेली प्रोग्राम वॉट डू यू डू व्हाट इज योर

So, जब ये होता है तो बहुत अंदर आनंद ही आनंद आता है लिव विद एंथम एंड वाइटैलिटी तो अपने अंदर शक्ति की भी ऊर्जा बढ़ाइए अच्छे अच्छे टॉनिक्स को खाते रहिए व्यायाम करते रहिए बॉडी भी उतना ही आवश्यक है टू कीप हेल्दी एक इन अ हेल्दी बॉडी इज हेल्दी माइंड तो अपना शरीर को भी स्वस्थ रखिए लिव गॉड रियलाइजेशन यू यू हैव अ ग्लोरियस फ्यूचर बिफोर तो जीवन में एक उद्देश्य बना लीजिए पहुंचे वहां तक कोई बात नहीं लेकिन अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा तभी हम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे तो गोल क्या होना चाहिए हम मुक्त मुक्ति पाना मोक्ष पाना वो भी इसी जीवन में आप सब पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं आपके लिए बहुत कठिन नहीं है क्योंकि तपस्या कर चुके हो कई चीजों में आप आप दुनिया में सफल हुए हो अब इस मार्ग पर भी सफल होना होगा तो तभी हमारा कल्याण होगा वरना ये सब तो यहीं छूट जाता है रोटी कपड़ा मकान बच्चे घर वस्त्र ये ये चीजें जिनके पीछे हम माया मोह के पीछे भागते रहते हैं इसमें से एक भी चीज आपके साथ नहीं जाने वाली है क्या जाने वाला है जो अभी आप अपना समय का कमिटमेंट कर रहे हैं शास्त्रों का ध्यान कर रहे हैं भगवान का नाम ले रहे हैं वो सब जाता है तो यू हैव अ ग्लोरियस फ्यूचर बिफोर यू तो दोनों हाथ में लड्डू होने चाहिए अभी भी और मृत्यु के बाद भी मतलब अभी भी एंजॉय कीजिए और कैसे इंजॉय करेंगे जब सत्संग में आनंद आने लगेगा अगर सत्संग बोरिंग लगता है या समझ नहीं आता या पार्टीज को प्रेफरेंस देते हैं कहीं और भागते फिरते हैं तो समझो कि अभी हमारी वृत्ति नहीं हुई है नॉट नेसेसरली बैड थिंग इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट एट जैसे एक छोटे बच्चे को हम बहुत बड़ी क्लास में बिठा देंगे तो वो इधर उधर देखेगा उसका दिल थोड़ी लगेगा लेकिन अगर आपका दिल लगना शुरू हो गया है तो समझो भगवान की बहुत बहुत कृपा आपके ऊपर हुई है गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मांद जी महाराज की शक्ति आप सबके ऊपर बरस रही है यदि आनंद आता है तो इसका उत्तर आप खुद अपने आप को दीजिए और हमको भी दीजिए ताकि हमें भी पता चले आप लोग किस स्थिति में हैं कौन सी श्रेणी में आप फिट होते हैं लेट एवरी डे बी अ फेस्टिविटी बेकार हो गया चाहे कितना भी पैसा कमा लिया चाहे कितनी ही पार्टियां कर ली कितना ही घूम लिए कितना ही आनंद आ गया लेकिन वो आनंद केवल क्षण भंगुर है उसमें हमने भगवान को धन्यवाद नहीं दिया तो वो दिन व्यर्थ एडेड टू द मेंशन ऑफ परफेक्शन तो जैसे जब ये होने लगेगा कि आप अपनी दिनचर्या में सबसे ऊंचा स्थान भगवान को देने लग जाओगे प्रभु को देने लग जाओगे उसकी सब कुछ तो उसी का है आपका शरीर भी तो उसी का दिया हुआ है आपका थोड़ा ही है ये सांस भी आपकी नहीं है तो फिर हम कैसे उसको भूल सकते हैं एवरी ऑब्स्टिकल इज अ स्टेपिंग स्टोन टू अ ग्रेटर हाइट तो जीवन में जब कष्ट आए तब भी परेशान मत हो कष्ट आना स्वाभाविक ही है इस जीवन में ये जीवन इसको क्या बोला जाता है मृत्यु लोग क्यों बोलते हैं भाई मृत्यु लोग क्योंकि आज नहीं तो कल हम सबका मृत्यु होगा ही ये क्वेश्चन नहीं है कि कि होगा कि नहीं ये क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि कब होगा तो इसीलिए भगवान का आशरा लेना उसको पकड़ना और उसके सहारे चलना आ, मतलब कि उसकी सत्ता को हम रिक्निशन देते हैं और उनका उसके साथ जब जुड़ जाते हैं तो आनंद ही आनंद है Every breath becomes a constant affirmation of your unity with God. तो आपका हर सांस भगवान का नाम लेता है उसके अंदर जब चलता है तो उसको बोला जाता है अजपा जाप मतलब you are now बिकमिंग एन एडवांस्ड साधक यू आर नो लॉन्गर जस्ट एवरेज वरना वही मंदिर जाओ घंटी बजाओ दो रुपये रखो आरती करो बस थोड़ा सा प्रसाद खा लो और दुनिया में दुनिया वाला बिहेवियर शुरू कर दो थोड़ा झूठ बोल दिया थोड़ा ये कर दिया थोड़ा किसी का निंदा कर दिया बुराई कर दिया वो सब स्पिरिचुअलिटी थोड़ा ही है वो सब तो संसारी काम है और संसारी काम साधकों को शोभा बिल्कुल भी नहीं देते तो अगर आप एक साधक बनना चाहते हैं तो ये जो गुरु जी का एडवाइस है बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला है इन गोल्डन लेटर्स तो इसके ऊपर आप अमल कीजिए और एकदम इतना सब कुछ हम अमल नहीं कर सकते तो छोटा सा कुछ पकड़ लीजिए ओनली वन थिंग दैट दैट विल वर्क फॉर यू यू टेक दैट और उसी से ही हम का हम सब का कल्याण हो जाएगा तो ये उनकी कृपा भी है आज्ञा भी है तो हम उसका उसको मान्य करते हैं तो भगवान और हम भी आपको हम तो उनके चरणों की रज हैं छोटी सी धूल का कण है तो हम भी उन्हीं की आशीर्वाद आप सबको देते हैं कि जो भी हमने उनसे ज्ञान अर्जित किया है थोड़े पात्रता उनकी कृपा से प्राप्त हुई है वही आप सब में भी बने और आप सब भी बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे साधक बन जाए और आनंद की लहरें दौड़े आपके अंदर तो ये दोनों चीजें आपको प्राप्त

यज्ञ में ये यज्ञ है ये ये कोई केवल क्लास नहीं है दिस इज योर लाइफ एंड द बेस्ट प्रूफ ऑफ योर लाइफ इज यू सी द चेंजेस योर सेल्फ

जो है हमारे लिए संदेश है हरिओम तो चलिए हम अपना जो एक छोटा सा भजन करते हैं ये भजन भी मुदगर है तो इसमें हम आपको बहुत वैराग्य की बहुत भारी भारी बातें सिखाते हैं जो हम कौन है सिखाने वाले हम तो केवल इन शास्त्रों को जैसे लिखे गए हैं वैसे ही उसका अपनी सीमित बुद्धि से वर्णन कर देते हैं और अगर ज्ञान तो ज्ञान ही है सच तो सच ही है तो इच्छा और आशा करते हैं कि आप सब में भी ये मोह मुदगर जागे शंकराचार्य जी तो आठ वर्ष की आयु में संन्यास ले लिए थे और बत्तीस वर्ष में तो इतना बड़ा बड़ा काम करके चले गए जो आज के कितने ही लोग इकट्ठे मिलकर भी सोच नहीं सकते कि इतनी बड़ी वो कैसे किया, किया गया कैसे सनातन धर्म को बचा लिया उन्होंने और कैसे इतना इतना ग्रंथ लिख दिया तो ये शिव के ही अवतार माने जाते हैं भोलेनाथ के आदि शंकराचार्य जी नाम भी शंकर ही था तो इन्हीं का हम ये भज गोविंदम कर रहे हैं कि भगवान का ध्यान करो संसार का ध्यान ठीक है प्रैक्टिकल मैटर्स विल नॉट चेंज यू टू गो टू वर्क डू योर थिंग अंदर से आप लोग एक्टिंग कीजिए जैसे actors होते हैं, वो उनका रोल नहीं रहता है जो भी वो करते हैं दे आर जस्ट एक्टिंग घर जाके वो अपना खाना पीना खा के परिवार के साथ अच्छे से रहते हैं ऐसे ही आप भगवान के साथ अपना पारिवारिक संबंध बनाइए और संसार से एक्टिंग करते रहिए लेकिन अच्छे एक्टर बनिए सक्सेसफुल तो ये आ, अवश्य है और इसी के साथ हम ये सत्संग को आगे बढ़ाते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते समाप्ते सन् काले ना नाही रक्षति दृकुन करणे नारी स्तन भरनावेशम दृष्ट्वा गामोह मोहावेशम एतन मासव साकारं मनसि विचिन्तय बारं बारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते श्लोक में आ, शंकराचार्य भगवान क्या बोलते हैं कि देखो ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है बहुत श्लोक है नारी स्तन भर देशम तो ये जो माया का जाल है इसके अंदर दो इंद्रिया इंसान को बहुत सताती हैं देखो आंख है आँख से हम देखते हैं नाक से हम सूंघते हैं कान से सुनते हैं जीभ से चखते हैं और आ, स्किन से हम टच का फीलिंग लाते हैं, खुरदरा, मुलायम पतला छोटा इस तरीके से तो इसके अंदर दो इंद्रिया जो है द सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ टेस्ट दीज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल बहुत साधकों को भी इसमें बहुत uh, परीक्षा ली जाती है परेशानी आती है कष्ट होते हैं तो इसको जो कंट्रोल कर पाता है वो इस साधना मार्ग पर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है अगर हमारा बुढ़ापा आ जाता है धीरे धीरे ये चीजें स्वतः ही कम होती हैं बट फिर भी हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है तो यहाँ पर जो नारी है इट्स इट द कॉनोटेशन इज ऑपोजिट सेक्सेस, मेल टू वर्ड्स एंड फीमेल्स टू वर्ड्स मेल्स तो ये जब लिखा गया था पता नहीं कलयुग था कि नहीं आजकल तो हर तरीके का ब्रैकेट बन गया है सब लोग अ, अ, ये वो कई चीजें चलती हैं तो ये संसार है लेकिन जो भी है अट्रैक्शन टू वर्ड्स द फिजिकल प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट द गोल यहाँ पर ये जो बोलते हैं बहुत ऊंची स्थिति से ये बात बताई गई है इसीलिए हम हर बार याद कराते हैं आप लोगों को कि आप सीरियस साधक बनना चाहते हो तो ये सब करना होगा वरना आप संसार में मस्ती लेते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है धीरे और अच्छे काम ही कर रहे हो धीरे धीरे अच्छा जन्म होगा अगला और अच्छी अच्छी जगह पर पहुंचते चले जाओगे लेकिन अगर मुक्ति चाहते हो अगर चाहते हो कि हम मुक्त हो जाए और जन्म ना हो उसके लिए ये सब करना पड़ता है जैसे पीएचडी करना सबके लिए आवश्यक थोड़ा ही है इट्स नॉट नीडेड बट इफ यू वांट टू डू इट देन यू हैव टू सैक्रिफाइस इजंट इट इफ यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स अदरवाइज इट डजंट वर्क तो ये भी सनातन धर्म का ये जो मार्ग है ये हमारे गुरुओं ने जो प्रशस्त किया है उसमें ये कहते हैं दृष्टवा मतलब कछुए की तरह बन जाओ जब आपकी ये इंद्रिया आपको एंड देयर यू गो यू जस्ट बिकम लाइक अ टर्टल एंड बिकम टोटली गो इनवर्ड्स उनकी तरफ नहीं देखो जैसे घी और आग का मिश्रण होता है जहां पर भी अग्नि में हम घी डालेंगे तो अग्नि बुझेगी कैसे वो तो और जलेगी तो इसी तरीके से उनको अलग अलग रखना उचित है तो वहां पर डिसिप्लिन चाहिए ये ज्ञान देते हैं शंकराचार्य जी आगे बताते हैं आ, मोह में मत फसो दृष्टवा मागा मोहमेशम डोंट लुक एट इट एंड देन गेट इंटॉक्सिकेटेड एंड सेलिवेट यू नो वो सब बंद करो ए एतन मासव सादी विकारम मनसी विचिंतय वारम देन ही सेज बट इंट्रोस्पेक्ट

आगे बढ़ोगे तो इसको में विकार देखो लुक एट इट एज अ बिकॉज़ द आइडिया इज़ का लक्ष्य क्या है आपको यह बताना कि ये सब चीजें आप नहीं हो आप ये शरीर नहीं हो तो जो आपको आनंद यहां से मिल रहा है काम वासना से मिल रहा है उससे करोड़ों गुना ज्यादा आनंद आपको भगवत प्राप्ति से प्राप्त होता है और होगा भी लेकिन आपको तपस्या करना होगा जैसे आपको अपने अपनी पढ़ाई में तपस्या करके आप जहां जहां तक पहुंचे हो तपस्या से ही पहुंचे हो अपने आप नहीं कुछ भी हो जाता तो ऐसे ही आपको इस मार्ग पर भी ये सब त्यागना होगा और इसके बाद आगे आपका खूब आनंद ही आनंद का मार्ग होगा मन सी चिंता है वारंबारिच मीन्स ही सेट जस्ट थिंक ऑफ इट वी गॉन एवरी मॉर्निंग लुक वेन वी लुक इन द मिर वी शुड इंट्रोस्पेक्टेस है शरीर कभी तो बच्चा था छोटा था फिर जवान हुआ फिर हम एट्थ ग्रेड में थे फिर ट्वेल्थ में चले गए फिर ये है, अब करते 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 अब हम इतने साल के हो गए हैं तो आखिर ये कब बंद होगा तो इस बात के ऊपर शंकराचार्य जी हमें बोलते हैं थोड़ा संयम रखें थोड़ा ध्यान रखें और एक अच्छे साधक के ये आवश्यक गुण हैं दीज आर नॉट ऑप्शनल आइटम्स दे आर मैंडेटोरी आइटम्स बट येट आई विल टेल यू मेनी पीपल स्ट्रगल कई सन्यासी भी धक्का खाते रहते हैं हम बहुत देखा है भारत में ऊपर से अच्छे वस्त्र पहन लिए अंदर से मन खूब विचलित है कभी इधर कभी उधर कभी आ, शरीर का सुख कभी छुप के काम करना ये सब तो पाप है दिस इज ऑल डेफिनेटली गोइंग टू ड्रैग पीपल फर्दर द हेल होल उससे तो अच्छा संसारी बनो आनंद लेते रहो और साथ साथ भगवान का पूजा करते रहो ऐसे लोगों को जिनमें संयम नहीं है इस मार्ग पे बिल्कुल नहीं ऐसे uh, uh, बोलना चाहिए कि हम सीरियस साधक हैं और स्पेशली वर्स वेन दे बिकम फेक गुरुज एंड देन दे ट्राई टू लीड अदर पीपल दैट इज सिंफुल वो तो उसका तो इतना भारी दंड मिलता है उनको अः और मिलेगा भी तो ये इस श्लोक के माध्यम से हम थोड़ा आपको बताना चाहते थे आइडिया यही है कि थोड़ा अगर वैराग्य जागे तो थोड़ा आंसू बहे थोड़ा दुख लगे तो डोंट फील बैड अबाउट इट इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट मींस कि अंदर का मैल धुल रहा है जैसे हम हम अपने घर का रग्स क्लीन करते हैं साफ करते हैं तो अंदर से खूब डस्ट निकलता है तो अगर डस्ट निकलता है और थोड़ा तकलीफ भी होता है तो लाइक अ गुड सर्जन आर जॉब इज टू हीस कि 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 दर्द होगा होगा नहीं नहीं ये होगा नहीं। वो तो थोड़ा तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा जब सर्जरी होता है तो दर्द तो होना स्वाभाविक है तो ये आज का ज्ञान था तो अब हम भागवतम पे आते हैं भागवतम को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें जो हमने शुरू करना था अः ये अर्थ द्वितीय अध्याय जो है ये खत्म कर दिया था हमने पीछे नारद जी का भक्ति और वैराग्य ज्ञान वैराग्य के साथ तो अब जो है इनके शौनक आदि जी के प्रश्न हैं इस बारे में इनको वो लेते हैं और आगे फिर ये महिमा ही चल रही है भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्मा ये आ, जो है हमने महात्मय बहुत कर लिया है सो so इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि आइडिया यही है कि ऑल स्क्रिप्चर्स आर गुड गीता ए आग, आप देवी पुराण पढ़ोगे तो बोलोगे देवी पुराण ही सबसे ऊंचा है भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम ही सबसे ऊंचा है और अगर गीता पढ़ते हैं तो वही तो इट्स नॉट दैट एनी स्क्रिप्चर इज गुड और बैड इट इज ऑल स्क्रिप्चर्स आर वेरी गुड बट वट इज अवर इंटेंसिटी लेवल हमारे श्रद्धा और हमारे सीखने की क्या इच्छा है लेकिन भागवतम में जो हमने इतना इसका प्रशंसा किया है ये वास्तविक भी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वेद व्यास जी के सब पूरी आयु का अनुभव है ये इन्होंने बुढ़ापे में लिखा था जब ये काफी महाभारत लिख दिए थे भगवद गीता हो चुका था पुराणों को इन्होंने इकट्ठा कर दिया था वो स्टिल अनहैप्पी एंड टू गेट टू दैट हैपी स्टेट Uh, नारद जी ने उनको फिर यह ज्ञान दिया था कि तुम ये भागवत जो है क्योंकि ये वास्तव में केवल भक्ति ग्रंथ नहीं है लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स ओनली फॉर डिवोशन दैट इज नॉट प्रॉपर। इट इज ऑल्सो वेरी गुड स्क्रिप्चर फॉर विजडम हमारे ज्ञान के लिए भी बहुत क्योंकि इसमें उपनिषद का सार है कपिल देव जी ने अपनी माता को जो उनकी माता थी माता शिष्या थी और कपिल देव जी गुरु थे वो गुरु अवतार में आए थे तो इस तरीके से उनका अलग अलग तरीके से महात्मे बताया गया है तो ये लोग जिन जिन के पास भागवतम है तो दोबारा वो क्लियर करते हैं क्योंकि हम सुन रहे थे कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे पास भागवतम नहीं है कोई बात नहीं वो आपका अपना होमवर्क है आपको अपने तरीके से पढ़ना है ये कोई क्लासरूम तो है नहीं कि हम बोलेंगे सब लोग अपना अपना इस पेज पे आओ और अब हम ये पढ़ेंगे जो भी हमको प्रेरणा प्राप्त होती है या जो लोग जो चीज हम सोचते हैं आपके कल्याण के लिए अच्छी है हमको वो करना चाहिए दूसरी बात ये भी है कि हम जो है आ, दो हफ्ते में एक ही बारी मिलते हैं एक घंटे के लिए तो इस गति से तो हमें कई जन्म लग जाएंगे ये पूरा करते हुए यदि हम इसका हर अध्याय और हर कुछ अच्छे से श्रवण करें तो, तो वो संभव भी नहीं है तो इसीलिए हम जो क्या करेंगे जो जो चीज हम टच कर चुके हैं बात कर चुके हैं उसको हम आगे बढ़ा के और जो है मुख्य मुख्य बातें पकड़े जिससे आपका सार्वजनिक कल्याण हो आपका कल्याण हो ये ग्रंथ हमारे लिए लिखा गया है तो जो भगवत कथा और इसका महात्मा है थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि ये जो अथ द्वितीय अध्याय है भगवत कथा और भगवत भक्ति का महत्व है तो ये कहते हैं सुखदेव जी महाराज का यज्ञ जो भी है यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था मतलब जब वो बच्चे थोड़े बड़े होते थे उससे भी पहले ये सन्यास ले लिए थे क्योंकि पीछे से ही वो लेके आए थे तो अपने पिता को बोलते हैं कि देखो ये सब हम आ, कौन बेटा और कौन बाप क्योंकि बेटा पिताजी मोहित हो गए बोले व्यास जी खुद व्यास जी के ये पुत्र हैं सुखदेव जी व्यास जी वही जिन्होंने ये भागवतम भी लिखा है और महाभारत भी लिखा है इस, इस तरीके से तो वो भी बोले बेटा तुम कहां छोड़ के जाते हो इतनी छोटी आयु में क्या सन्यास लेते हो कहाँ जा रहे हो यहाँ रुको तो वहां से उन्होंने तो उत्तर भी नहीं दिया तो वायु और पेड़ उस उनके व्या इनके सुखदेव जी के लिए उत्तर दिए बोले देखो कि कौन किसका बेटा और कौन किसका बाप हम कितने हम सभी कितने जन्म ले चुके हैं और लेते रहेंगे ये चक्र चलता रहता है जब तक हम उसके प्रक्रिया को नहीं रोक देते हैं तो ये ऐसा वैराग्य उनमें था फिर जब वो जा रहे थे तो रस्ते में कुछ जो गोपियां स्नान कर रही थी और स्नान के समय वस्त्र नहीं थे तो वो एकदम जब वो सुखदेव जी गए सामने से तो उनको कुछ भी हलचल नहीं हुई ना ही सुखदेव जी को हुई लेकिन जब व्यास जी गए उनके पिताजी तो गोपियां लज्जा गई और अपने वस्त्र उन्होंने ढक लिए तो उस समय व्यास जी बोले अरे मैं तो इतना बड़ा जिसको व्यास गद्दी हम बोलते हैं कि मैं तो इतना बड़ा व्यास मुनि हूं मैंने इतना बड़ा बड़ा वो सब किया है तो आप लोगों को आप लोग ये क्या कर रही हैं क्या वो बोले आपने उस उन, मेरे बेटे के लिए तो नहीं ऐसे किया था जब वो थोड़ी देर पहले ही आगे से निकला है कहते हैं उनमें कुछ भेद बुद्धि स्त्री पुरुष का भेद उनमें नहीं था वो ऐसे चल रहे थे जैसे केवल भगवान में ही रमे हुए हैं लेकिन आपने हमसे पूछ लिया इसी से ही क्लियर हो गया कि आप में भेद बुद्धि है और हम में भी वही भेद बुद्धि आ गई तो ये जो है जो चीजें हैं बहुत गुड़ हैं और इसको पार करना भी इतना आसान नहीं है और इसीलिए देखिए ये जो है भोलेनाथ के लिए भी कामदेव ने रति के साथ जब वो उन्होंने भस्म किया था आप जानते ही हैं अपनी तीसरी आँख से भस्म कर दिया था कामदेव को और सूक्ष्म रूप में डाल दिया था क्योंकि ये काम वासना अब सटल रूप में तो धरती पर है ही और रावण में क्या बुराई थी भाई इतना बड़ा पंडित इतने बड़े सब शिव तांडव स्तोत्र लिख दिया कि भगवान शिव खुद दर्शन दे दिए लेकिन काम वासना सीता पे दिल आ गया और सब कुछ था ये नहीं कि सोना नहीं था धन नहीं था रानियां नहीं थी पैसा नहीं था सब कुछ था फिर भी एक कुकर्म की वजह से आज तक कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहता तो मेनका विश्वनाथ विश्वामित्र भी देखो विश्वामित्र कितने बड़े संत हुए कितना तपस्या किया कहा, कहा, क्या क्या नहीं किया और वहां पर भी देखो मेनका आ गई और मेनका ने उनकी समाधि को भंग किया और वहां से फिर उनका उनकी एक पुत्री हुई शकुंतला और उनके कई वर्षों का तप जाता रहा वो बताते हैं विश्वामित्र जी खुद भी बोलते हैं कि आ, ऐसा ऐसा ये काम वासना का भंडारा है कि इसको आ, प्रीच करना तो बहुत सिंपल है बात करना तो बहुत सिंपल है लेकिन इसको जीवन में उतारना और एक अशुद्ध जीवन व्यतीत करना कोई कोई ही वास्तव में कर पाता है तो फिर वहां से फिर महाभारत शुरू हुई क्योंकि उनका बेटा हुआ था भरत ये शकुंतला जी का तो और फिर जो है ऐसे कई एग्जाम्पल हैं दिति ये सब तो खैर जो ने क्या किया कश्यप जी को की को बुद्धि भ्रष्ट कर दिया उस उस समय वो काम वासना से उत्तेजित हो गई और आ, कश्यप जी ने बोला अभी समय अच्छा नहीं है ये शाम का समय है ये आराधना का संध्या का और भगवान की पूजा का समय है लेकिन उसमें काम वासना का भूत चढ़ चुका था तो वो जबरदस्ती उनको आ, आ, क्रोधवश जैसे भी मोहवश जबरदस्ती तो वहां से कितने असुर उत्पन्न हुए तो ये जो देव असुर संग्राम आप सुनते रहते हैं ऑल दीज एंड एंड गॉड स्टोरीज यू सी हियर तो वहां से इन असुरों की उत्पत्ति हुई सुर मतलब इन ट्यून असुर मतलब आउट ऑफ ट्यून है ना जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि सुर इस सुर का बहुत इंपॉर्टेंस है जब तक इंस्ट्रूमेंट ट्यून में नहीं रहेगा वो हम आगे उसको बढ़ा नहीं सकते हैं और पांडु का भी मृत्यु ऐसे ही हुआ था जब उसकी पत्नी स्नान कर रही थी देख के वो काम वासना से जाग उठा और उनको बताया गया था कि जैसे ही तुम भोग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी क्योंकि उन्हीं के तीर से एक संत की मृत्यु हुई थी तो ये सब जो बातें हैं बड़ी गूढ़ हैं और ये बार बार हमको अलग अलग तरीके से वैराग्य की ओर लेके जाती हैं और ध्यान भी दिलाती हैं कि अंत में तो ये शरीर कुछ नहीं भी करेंगे अंत में तो इसका इसको नष्ट होना ही है तो अगर अच्छे तरीके से कर लें तो बहुत अच्छा तो बताते हैं ये भागवत जो है ये अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है रहस्य मीनिंग फुल ऑफ मिस्ट्रीज तो अगर आप केवल इसको पढ़ोगे लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के अंदर नहीं पढ़ोगे किसी संत से नहीं सीखोगे केवल कथावाचकों का इधर गाना गुना सुन के बस एंटरटेनमेंट कर लोगे तो कुछ कल्याण नहीं होता है लेकिन अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं वी वॉन्ट टू इवॉल्व स्पिरिचुअली वी वॉन्ट टू ग्रो डीपर तो उसके लिए हमको इसके रहस्यों को समझना होगा मिस्ट्रीज मिस्टिकल मीनिंग्स और यही हमारे जो गुरुजी हैं स्वामी ज्योतरम जी महाराज आई थिंक उनकी इस पूरे विश्व को ये बहुत बड़ी देन है कि उनकी जो जो भी पुस्तक आप उनकी पढ़ेंगे या ग्रंथ पढ़ेंगे जो भी वो लिखते हैं उसके अंदर मिस्टिकल मीनिंग्स इसीलिए देखो एक छोटे से मैसेज में जो हम आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं कितना सारा ज्ञान रहता है एक छोटे से मैसेज में तो क्यों क्योंकि ये जो साक्षात्कारी संत हैं ये ये एनलाइटेंड uh, सेजेस हैं ये थोड़े में ही बहुत भारी-भारी जैसे कितना ही दूध हो लेकिन मक्खन उसमें से और थोड़ा हो जाता है और घी और भी थोड़ा हो जाता है लेकिन घी से दिए जलते हैं और दूध से दिए नहीं जल सकते है ना समझ गए तो इस तरीके से हमको ये जो संतों की वाड़ी है इसी प्रकार निकलती उसी में से है उसी दूध में से निकलना होता है लेकिन फिर जब वो घी बन जाती है तो फिर वो दूध कभी नहीं बन सकती नेवर गो बैक इस तरीके से ये वेदों का भी सार है और संसार में जो फंसे हुए लोग हैं और इस घोर अंधकार से पार जाना चाहते हैं उनके लिए ये एक अद्वितीय दीपक है मीनिंग इट्स अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्चर एंड हाउ विल यू ग्रो एस क्वेश्चन इट विल नॉट ऑटोमेटिकली अगर आपको लेकिन वो कब होगा क्वेश्चंस को कब आएंगे दो ही लोगों को क्वेश्चंस नहीं होते है ना दो ही लोगों को क्वेश्चंस नहीं होते बाकी हम जैसे लोगों को आप जैसे लोगों को क्वेश्चन होते ही हैं और होने भी चाहिए किन दो को नहीं होते भाई एक तो उसको नहीं होता जिसको ऑलरेडी uh, सब कुछ आता है कोई क्वेश्चन है ही नहीं इफ यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग व्हाट शुड यू आस्क सो यू डोंट आस्क दैट इज फाइन बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी एनलाइटेंड वो एनलाइटेंड सेजेस एंड सेंट्स हैं जिनके पास वो पूरा ब्रह्मांडीय शक्ति है दूसरा कौन है जिसको कुछ नहीं आता वो सोच सोचता है पूछूं भी क्या <laughs> है ना <laughs> <laughs> कुछ समझ ही नहीं आया पूरी रामायण हो गई वो पूछता है सीता कौन था ये भी नहीं पता कि सीता स्त्री थी या पुरुष था तो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा तो ही हैज नथिंग मोर टू ऐड और आस्क तो मीनिंग आर नॉट इंटरेस्टेड बट द रेस्ट ऑफ अस ताकि हमारा उद्धार हो है ना ये जो हम सत्संग करते हैं सत्य का संग करते हैं तो सत्य सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए और उस पर चलने का हमारा संकल्प भी होना, होना चाहिए जैसे भगवान राम कितने बड़े राजा बनना था अगले दिन क्राउन मिलना था आ, क्राउन प्रिंस और कहा क्या मिल गया चौदह वर्ष का वनवास और वो भी राजसी वस्त्र भी उतार के जाओ जूते भी छोड़ के जाओ कुछ नहीं ले जा सकते जहां पर भी जाते थे लोग बोलते थे तुम्हारे तो माता पिता ने भी तुम्हें त्याग दिया भाई तुम कौन हो तो भगवान को भी देखो कितना कष्ट सहना पड़ा था तो ये अब हम बैठ के कंफर्टेबल होम्स में थोड़ा सा भी टेम्परेचर हिलता है थोड़ा सा भी हमारा लाइट चला जाता है थोड़ा सा भी कुछ तूफान आ जाता है हम कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो सोचो कि कितना तपस्या कर करके ये सब ग्रंथ लिखे गए हैं और कैसे कैसे उदाहरण हमारे सामने हैं तो वास्तव में इन संसारी लोगों पर कृपा और करुणा करने के लिए सुखदेव जी ने इस भागवत का वर्णन किया था परीक्षित जी को जो आ, अर्जुन के पोत्र हैं ग्रैंड सन अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु अभिमन्यु के बेटे थे राजा परीक्षित तो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नवनारायण ऋषियों को सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतकरण समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए तो इसीलिए ओम श्री गणेशाय नम ओम ऐं सरस्वतीय नम ओम श्री गुरुवे नम हर सत्संग में आप अपने पूजा स्थान पर भी जो बैठते हैं करना चाहिए दूसरा बात हम पूछना आप लोगों से चाहते हैं। थे, अभी तो हम भागवतम में हैं। तो पिछले आ, दो हफ्ते पहले हम लोगों ने माला के ऊपर खूब डिस्कशन किया था बहुत प्रश्न आप लोगों ने पूछे थे तो अभी कुछ आ, आप लोगों का अनुभव हुआ कुछ फॉलो किया कुछ आ, क्वेश्चन है क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर शेष हैं तो जब ये हमारा सत्संग समाप्त होगा उसके बाद आप निसंकोच पूछ सकते हैं क्योंकि आइडिया यही है कि कुछ चीज ज्ञान तभी फल देता है जब हम उसको अच्छे से अपनाएं और ठीक तरीके से लगा लें तो ये संबंध है और वैराग्य होना विवेक और वैराग्य दो चीज होना बहुत आवश्यक है एक अच्छा साधक बनने के लिए है ना एक विवेक है डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग गुड एंड बैड एथिकल एंड अनएथिकल नोइंग आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम द सोल ये सब विवेक से होता है और वैराग्य क्या है वैराग्य इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट

लेंगे जब आप इन ग्रंथों की पूजा करेंगे जैसे भगवान की पूजा करते हैं और ये आपके पवित्र कोने में रहेंगे आपके घर के सबसे पवित्र आपके हृदय की सबसे जो अमूल्य वस्तु है वो यही होगी आपकी माला और आपका आपका ग्रंथ और भगवान की मूरत और उसके और सबसे बड़ी बात आपकी भावना जैसी रही भावना वैसी प्रभु सूरत देखी तिन वैसी तो इसीलिए जो हैं, जो हैं भगवान में विश्वास नहीं करते तो भगवान उनको थप्पड़ थोड़ा ही मारते हैं उनके ऊपर भी सूरज आता है उनको भी भोजन मिलता है वो भी काम करते हैं वो भी बच्चे पैदा करते हैं सक्सेसफुल रहते हैं धरती पे लेकिन ये है कि उसके बाद जो कर्मों का जो बीज बोया जाता है अब जैसे हमारे घर में कोई चोर घुसाए सपोज करो हमारे घर में कोई चोर घुसाएं वो रहने लग जाए तो हमको कैसा लगेगा अब ये घर किसका है भाई घर तो भगवान का है और हम भगवान के घर में ही घुसकर बोल रहे हैं भगवान है ही नहीं <laughs> साइंस इज सेइंग एंड दिस एंड दैट एंड अब साइंस पहले एक चीज बोलती है फिर उसको चेंज कर देती है फिर अब बोलते हैं कि वी डोंट नो तो ऐसा बात है कि हम साइंस का निंदा नहीं करते हैं साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही आवश्यक है लेकिन हम उसमें से क्या कर रहे हैं उसकी छोटी-छोटी ब्रह्मांड की चीजों को लेकर हम उससे विद्या प्राप्त कर रहे हैं तो ये हमारा धन थोड़ा ही है ना ये जल हमने बनाया ना पृथ्वी ना अग्नि ना वायु ना आकाश सो so,

और एक छोटे से बीज में कितना शक्ति है कि पूरा ब्रह्मांड को वो जो है एस्टेब्लिश कर सकता है वन सीड वन सीड वन बनियन सीड इफ यू ब्रेक इट उसके अंदर कुछ नहीं दिखता है लेकिन आप उसको भूमि में डाल के उसमें जल दीजिए और खाद डालिए और उसका सींचिए उसके आसपास मेंढ लगाइए तो वही वट वृक्ष बन जाता है देखो अब जब हम जाते हैं यहाँ कुरुक्षेत्र वगैरह बताते हैं ये गीता का साक्षी है ये वृक्ष उस समय भी था अभी भी है तो इस तरीके से इतने बड़े बड़े ये चीजें बन जाती हैं और उस वृक्ष में से कितने और बीज निकलेंगे भाई उस छोटे से सीड में से और कितनों को तो हवा उड़ा के ले जाती है हमारे कंप्यूटर को हम कितना संभाल के रखते हैं तोड़ के दिखाओ तो इस तरीके से वो जो बीज जो है कई नष्ट होते हैं कई सड़क पे पड़ जाते हैं लेकिन जो उपज जाते हैं दोज दैट जर्मिनेट आर दंस दैट रियली ग्रो तो धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय ना हो तो वह निराश्रम ही श्रम है मतलब कि वी आइडिया क्या है क्यों हम इस तरीके से बात करते हैं हमारा इच्छा है कि आप सब में भक्ति भी जागे ना केवल शुष्क ज्ञान शुष्क ज्ञान से कुछ नहीं मिलेगा केवल हड्डियों और सख्त हो जाएंगी कुछ नहीं मिलता है आंख से आंसू बहना शुरू हो भगवान आप कब मिलोगे कब होगा इतनी देर हो गई तो मेरे गोवर्धन गिरधारी जो है लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल तो नमक की ढेली की तरह या शुगर पिल की तरह बन जाओ पानी को नापने जाओ और उसी में डूब जाओ ये असली ज्ञान है यही असली भक्ति है अब जैसे भी वो प्राप्त करो इफ यू एंजॉय रीडिंग स्क्रिप्चर्स इन दैट टेक्स यू देयर परफेक्ट नथिंग रॉन्ग विद दैट बट इफ योर इमोशंस आर मोर बेटर वेन यू चैंट योर माला जपा एंड यू सिंह कीर्तन दैट इज इक्वली गुड ये नहीं बोलना कि अरे भक्त हम ज्ञानी ज्यादा बड़े हैं हमने ये ये उपनिषद्स को तोड़ के रखा है फोड़ दिया ये कर दिया ऐसा कुछ नहीं है एक ज्ञानी भक्त है और एक भक्त ज्ञानी है इसीलिए इसको सिंथसिस ऑफ योगा बोला जाता है दे दे टूगेदर जैसे आपको भोजन भी करना है और काम भी करना है केवल काम नहीं कर सकते केवल तो सब तरीके से बैलेंस करोगे नींद भी लेना है तो धर्म का फल है मोक्ष है ना फल क्या है मोक्ष मीनिंग वी हैव टू गेट लिबरेटेड एंड बट यू डोंट लुक फॉर द फ्रूट राइट अवे You first have to germinate the seed, then you have to uh, have a lot of patience, a lot of patience, even for a small pregnant uh, person to deliver. Almost a year goes kitna tapasya rehta hai तो इस तरीके से ये तो संसारी चीजें हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि इन चीजों में धर्म के नाम पे ये सब आप इसमें इतना आनंद लीजिए कि आपको ये लगे ही नहीं कि आपको कोई क्लास अटेंड कर रहे हो या भगवतम पढ़ रहे हो मतलब कि सडनली तीन घंटा बीत गया और आप देखते हो अरे क्या हुआ तो तब आपको समझना चाहिए कि अब आपको आपका थोड़ा आ, प्रोग्रेस तीव्र हो रहा है यू आर इंजॉइंग द प्रोसेस ठीक है तो ये श्रम वरना Uh, मोक्ष नहीं मिलेगा तो फिर हमें हम सार्थक नहीं होंगे तो वी हैव टू बट द ब्यूटी ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी इज लॉर्ड कृष्णा ने ने भगवत गीता में में एकदम स्पष्ट शब्दों में बता दिया अर्जुन ने पूछा भी था कि मैं बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा भगवान आप बोलते हो ये नहीं करो स्त्रियों को नहीं देखो पुरुष को नहीं देखो ये नहीं करो वो नहीं करो तो करो क्या ये धरती का हम क्या करेंगे यहाँ पर क्यों आए हैं फिर हम तो भगवान ने बोला देखो अर्जुन बेटा ऐसा है कि तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा तुम बादल की तरह छिन्न भिन्न नहीं होगे। डोंट यू थिंक आई सी वट सेक्रीफाइस इज यू आर मेकिंग फॉर मी एंड नॉट फॉर मी बट फॉर योर ओन सेल्फ एक्चुअली हम अपने लिए कर रहे हैं कि हमारे मोक्ष प्राप्त हो जाए ताकि हम जीवन मरण का चक्र को हम काट सकें वरना स्लो रोड लेना चाहते हो तो जो ऑलरेडी कर रहे हो करते रहो उतना वो तो बहुत सुंदर है यू आर ऑल गोइंग डूंग गुड थिंग्स एथिकल थिंग्स नाइस थिंग्स एंड अटेंड डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट दिस डिफरेंट दैट एंड ऑल्सो एंजॉय दर्ल्ड तो एंजॉइंगमेंट में प्रॉब्लम नहीं है हमसे हम गलती क्या हो जाता है जब हम अटैच हो जाते हैं हा? तो भगवत गीता में आगे भगवान बताएंगे भी कि एक बार जब निर्लिप्त हो जाते हो उसके बाद तुम मारो या मरो उससे क्या फर्क पड़ता है शरीर आत्मा ना तो मारती है ना मरती है इट नथिंग विल हैपन टू इट सो दैट इज़ कि उसका इंटेंट क्या है और जहां से आप छोड़ोगे जहां से भी छोड़ोगे जैसे अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री हो गया तो अब जब भी आप रेडी रहना तो भाई शुरू करोगे पढ़ाई आप यूनिवर्सिटी में जाओगे और फिर आपको मास्टर्स में एडमिशन मिल जाएगा आपको दोबारा एट्थ ग्रेड में थोड़ी जाना पड़ेगा लेकिन ये जो है ऐसे ही जितना भी हम पढ़े जहां तक भी पहुंचे बहुत अच्छा सो डोंट फील ओ अच्छा अब हमें नहीं मिला तो क्या करें क्या करें वो किसी किसी को ही इवन भगवद गीता में इसीलिए देर आर वेरी फ्यू एनलाइटन पीपल जीवन मुक्त जो जो कि जीवन जीवित भी हैं और मुक्त भी हैं तो हमारे गुरुदेव हैं तभी तो हम सब कुछ छोड़ के अपना धन ये सब छोड़ के के हम गुरु चरणों में बैठ गए और शायद पिछले जन्मों के संस्कार भी होंगे लेकिन सबके लिए ये मार्ग उचित नहीं है नॉट फॉर एवरीबडी सो देर फो यू कंटिन्यू टू बी अंटल डू वट एवर यू आर डूइंग एट होम बट जैसे शुरू में भी बताया था कि जैसे एक्टर्स अपना काम करके आजीविका कमाकर घर आ जाते हैं और फिर आनंद लेते हैं आप भी वही कीजिए तो जो आप अपना लाइफस्टाइल है लेकिन धीरे धीरे अपने जीवन को भक्तिमय कर लीजिए जैसे भी आपको उचित लगे वो हमारा आपको एडवाइस रहता है तो अर्थ केवल धर्म के लिए है तो जो हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार चीजें हमें सिखाई जाती हैं दीज आर कॉल्ड द फाउंडेशनल वैल्यूज इन सनातन धर्म धर्मा बींग एथिकल वैल्यूज डोंट लाई टेल द ट्रूथ बी गुड डू गुड Love all. So, uh, जो किंडर गार्डन में सिखाते हैं से नाइस थिंग्स बी पोलाइट ये सब जो ये तो एक है लेकिन धर्म मीनिंग मेकिंग डिफिकल्ट डिस फॉर ट्रूथ जैसे भगवान राम किए थे तो इस तरीके से uh, ये धर्म के पालन के लिए हमको मिलता है अर्थ अर्थ मीनिंग मनी uh, Money meaning resources. So that is why we become educated. We want to study. We want to have a comfortable life and this, that. But is that the only goal? If you really ask yourself, why am I doing this? And when does it end? Where does it end? How many homes do I need? How much food can I eat? Can I sleep in 10 homes at the same time? If you have 10 homes, you still need to sleep only within even that home. You need a small room only. Whatever you get, all those and six feet is enough for you to sleep. So that's what the sages and saints say. चीजों में मनाई नहीं है, लेकिन चीजों में फंसना वो गलत है जब हम मो में फंसते हैं। तो धर्म जो है फिर अर्थ भगवान दिए हैं, provision करते हैं, फिर काम मतलब desire आफ्टर ऑल डिजायर ऑल्सो अभी हम बात कर रहे हैं कामदेव की ये वो इतना शरीर का जो व्यसन है ये सब बात कर रहे हैं काम का मतलब होता है नॉर्मली सोशल वैल्यूज डिजायर जॉब नाउ वी वॉन्ट टू ऑल्सो क्रिएटर मैन इज अ सोशल एनिमल हमें बचपन में पढ़ाते थे तो सोशल है अब हम लोगों को ढूंढते हैं कौन साथ होगा तो हम लाइक like माइंडेड लोगों को ढूंढते हैं जिसको ताश जुआ अच्छा लगता है वो सत्संग में थोड़ी आएगा वो पूछेगा भाई

It's a desire that God, please liberate me. So we are asking God for something. But that is a Shubh desire. It's called aspiration. You don't call desires that are.

लेकिन ये है कि हम विचलित होते रहते हैं क्योंकि ये मन को हमने एक बंदर का स्थान देकर उसको खूब हमें हमने इंटॉक्सिकेट भी कर दिया है नॉट ओनली इज आर माइंड एजिटेटेड ऑन टॉप ऑफ इट इट हैजेक ओवर so therefore we are kind of like a robot we are listening to it doing things that we don't want to do sometimes it forces you to do things to usko fir hum bol dete hain addiction addiction ho gaya bhai drugs ka addiction ho gaya iska ho gaya uska ho gaya shuru mein to nahi tha to kaise hua क्यों हुआ और आप ही उसको तोड़ भी सकते हो लेकिन श्रम करना पड़ता है श्रम हम करना नहीं चाहते श्रम meaning effort तो so, कामा and moksha so moksha is finally the fruit फ्रूट एंड यू डोंट गेट फ्रूट राइट अवे इट कम्स थ्रू तपस्या इट कम्स थ्रू गॉड्स प्रैक्ट ब्लेसिंग्स सो दैट इज योर ओन एफर्ट एंड ऑल्सो अब अब इसी का एग्जाम्पल ले लो सीड का एग्जाम्पल जो हमने लिया है तो उसपे अंत में तो फूल आएंगे अगर आम का वृक्ष है तो आप पहले उसमें डालोगे खाद डालोगे ये करोगे वो करोगे कितना साल लगता है आप लोग जो फार्मिंग जानते हैं जानते होंगे मैं तो नहीं जानता लेकिन चार पांच साल लग जाते होंगे एक आम के फ्रूट को निकलने के लिए और ऐसे ही कई चीजें अलग अलग तो जब वो फल आता है उसके लिए उसके पीछे आपने कितनी तपस्या किया है वो आपकी सेल्फ एफर्ट है सीड अगर सड़क पे गिर गया तो खत्म वो नहीं उगेगा और अगर सीड आपने भस्म कर दिया मतलब इट्स नाउ गॉन तो इट विल जर्मिनेट यही संतों का हिसाब रहता है उनके सब कर्म भस्म हो जाते हैं दे आर इन दे आर अप बट अगर सीड जिंदा है और आपने मेहनत से उसको पानी उसको डाला भूमि में डाला फिर टिल किया फिर उसके बाद रोज आपने उसको सींचा पानी डाला ये करा वो करा फिर खाद डाला और हर बारी फर्टिलाइजर से आपने ध्यान किया आस पास लगा दिया कि टहनिया तो निकली आपने रोज देखते रहे हाउ इज एवरी तो उसके बाद करते करते जब वो हुआ तो ये आपकी हुई सेल्फ एफर्ट इज इंटेड बिकॉज अगर आप ये सब चीजें नहीं करते तो क्या ये वृक्ष उगता क्या हुई? हुई कि भगवान ने सूर्य की किरणें उस पर डाली प्रकाश हुआ उसको स्वच्छ हवा मिली उसको शेक होता रहा कि उसकी ब्रांचेज को एक्सरसाइज मिलता रहे वो उड़ता बढ़ता रहे और वो स्वस्थ होके पला बड़ा और अंत में फ्रूट आ गया तो इतना ही काम हम कर सकते हैं अपनी मेहनत करो जिस पर आपका अधिकार है सूर्य पर हमारा अधिकार नहीं है जब सूर्य छुप, छुप जाता है तो बारिश वर्षा होती रहती है कितना बड़ा बड़ा तूफान हम लोग झेल रहे हैं तो ऑल थिंग्स आर देव देव मीनिंग डिवाइन प्लान सो सेल्फ एफर्ट एंड डिवाइन ग्रेस दोनों साथ साथ चलते हैं और भगवान की कृपा रहती है तो ये इन चारों बेसिस पे हमें ऐसे समझना चाहिए कि जैसे ये धर्म अर्थ काम मोक्ष आपका घर है तो घर की नींव आपका धर्म है फाउंडेशन इफ द फाउंडेशन इज शेकन यू रियली डोंट हैव अ होम इट हाउस थोड़ा सा भी हवा बहेगा या कुछ होगा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया तो वो घर बेकार हो जाता है तो इसीलिए उसको धर्म की नींव को गहरा खोदिए रूट्स ऑफ द ट्री यू सी देर दैट गिव डेप टू द शरीर आ, श, आ, उस वृक्ष में जितना वो आपको ऊपर दिखता है इसका मतलब जितना बड़ा हुआ उसके अंदर उतनी ही मजबूत उसकी जड़े हैं रूट हैं, है तो आर दे है ना तो दो आर वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट धर्मा फिर धर्मा अर्थ मीनिंग योर uh, मटीरियल वैल्यूज मनी सो विथ दैट वी बिल्ड आर वॉल्स सो फाउंडेशन हो गई अब आपकी दीवारें हो गई अर्थ थ्रू दैट यू द स्ट्रक्चर ऑफ योर हाउस एंड देन दोशल वैल्यूज काम है आपके घर के अंदर जो आपके डेकोरेश है, गैजेट्स हैं आपका जो जो आप यूज करते हो घर के चीजें तो वो सब आपका सोशल काम काम का चीजें हो गई एंटरटेनमेंट की हो गई सब कुछ हो गया किचन बन गया बाथरूम हो गया सब कुछ है तो उसके बाद अब चौथा चीज कौन सा मोक्ष मोक्ष मीनिंग द रूफ suppose you you have have all these three things but you don't have a good roof on your head <laughs> all wasted, isn't it isn't तो जो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं इसी को बैलेंस कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो ये सब कुछ हम बैलेंस करके अपने जीवन में आनंद लें और फिर मंगल ही मंगल हो तो भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है और जीवन निर्वाह इसका आवश्यकता है भगवान ने जब मनुष्य शरीर को बनाया था इसका उद्देश्य यह था कि हम खाएं उतना जितना हमारा पेट भरे शरीर निर्वाह हो और अच्छा चले लेकिन हम लोगों ने सेंसेस की प्लेज को प्लेजेंट बनाने के लिए उसको हम उसी के गुलाम होते चले गए कि अब हम कोई चीज नहीं मिलती तो आई डोंट लाइक दिस आई डोंट लाइक दैट आई डोंट वॉन्ट दिस

that monkey mind it's your monkey mind that is that has taken control over your uh, discipline he has taken control, control because you have given the remote control to a cat बैठ, है कौन? मेरे घर में आके मुझे ही तुम मेरी बिल्ली मुझको ही मैं आऊ बा निकलो भागो तो वो अब बंदर को अच्छा नहीं लगेगा वो तो अपना आपको दांत दिखाएगा गुस्सा दिखाएगा नेल्स दिखाएगा तो वही सब होता है पहले हमने बंदर को लाए प्यार वश फिर उसके बाद उससे मोह कर लिया अब मोह करने के कारण अटैचमेंट हो गया अब अटैचमेंट करने के कारण हम परेशान हो गए सो फनी इफ यू रियली एनलाइज इड इट सो फनी एंड वी कंटिन्यू टू डू इट एंड लॉजिकली आल्सो वी नो कभी कभी हमें यही पता होता है अब धृत को क्या बीमारी थी भाई क्या दुख था उसको उसको पता था उसका बेटा एकदम महामूर्ख है और गलत काम करता है और करता ही जा रहा है फिर भी मोह ने उसको ऐसा पकड़ा कि आंख का अंधा और मन का भी अंधा हो गया अरे भाई आंख गई कोई बात नहीं तुम्हारा बुद्धि तो चल रहा था ना तो बुद्धि भी नहीं चल पाया कि क्यों क्योंकि मोह ऐसी चीज है कि जब हम और अपने बच्चों को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दें दूसरों के बच्चे बेकार मेरे बच्चे सबसे अच्छे पांडवों के इतने इतने गुण उसको दिखाई नहीं दिए और अपने बच्चे के अवगुण भी नहीं दिखते थे अपने बच्चों के गुण भी अवगुण भी गुण बन जाते हैं और दूसरों के गुण जो गुण है वो भी अवगुण हो जाते हैं तो उसकी वजह से महाभारत होना पड़ा तो इस तरीके से भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वे युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं श्रद्धालु मुनिजन मतलब जिनमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो वो लोग जो है जब वो श्रवण करते हैं वो बहुत ध्यान से श्रवण करते हैं एक राजा थे उनको एक बार ये भगवान मुले बोले क्या वरदान चाहते हो कहता तो भगवान मुझे इतना आनंद आता है कि मेरे दो कान काफी नहीं है मेरे को दस हजार कान जितना शक्ति दो कि मैं बहुत सत्संग ही सुनता रहू आनंदी लेता रहूं इतना बड़ा राजा और इतनी बड़ी भक्ति तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए तो ऐसा ही जो है ये अनुभव जो है ये ये नहीं देखता कि तुम गरीब हो या अमीर हो बड़े हो या छोटे हो इंडियन हो या कनेडियन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारा भाव क्या है वो मुख्य बात हो जाती है तो ऐसे ही ये जो ऋषि मुनि संत हैं जेनुन वाले लोगों की बात हो रही है केवल जो संतरी कपड़ा पहन लेते हैं या कमंडल उठा लेते हैं या बड़े बड़ा बात करते हैं उनकी बात नहीं हो रही है जो असली संत हैं वो तुम्हारे पास तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे वो वो सिर्फ देते हैं और देते भी क्या हैं जैसे पूरा वर्षा जब वर्षा होता है क्या क्या नहीं भर जाता पूरा संसार तृप्त हो जाता है ऐसे ही जब संत की वाणी और प्रभु की शक्ति से बोलती है तो वो वो तृप्ति के आगे ये छोटी छोटी चीजों का कुछ मायना नहीं रखता तो इसीलिए गुरु भक्ति जो है उससे बढ़ के तो हमें कोई चीज इस धरती पर लगती नहीं इसीलिए बोला जाता है गुरु गोविंद दोनों खड़े काकी लागी हो पाए बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए मतलब कि अगर कबीरदास जी का दोहा है कि अगर दोनों इकट्ठे आ जाएं मेरे गुरु और भगवान और दोनों बैल बजती है और मैं दरवाजा खोलता हूं देखता हूं दोनों ही खड़े हैं भगवान भी और गुरु भी तो मैं किसके पांव पहले छू फिर कहते हैं विदाउट हेजिटेशन बिना किसी शक या शंका के मैं अपने गुरु के चरणों में पहले लौटूंगा उनके साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा क्यों क्योंकि उनकी वजह से ही गोविंद आज मेरे दरवाजे पर आए हैं वरना कौन पूछता था मुझको मैं मैं हूं कौन जो भगवान का इतना कृपा बरसे कि मेरे पास आए मैं कौन था भाई मैं तो पार्टियों में घूमता रहता इधर घमंड करता रहता कि मेरे पास इतना धन है इतना पैसा है मैं ये हूं मैं वो हूं मुझे आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं था मुझे तो यह पता ही नहीं था कि कितने जन्म जन्म मृत्यु का ये चक्र क्या है जंजाल क्या है तो इस गुरु ने तपस्या से मेरे एक एक प्रश्न का उत्तर दिया इसीलिए हम अपने गुरु को सर्वोपरि मानते हैं भगवान और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कई बार हम ये सोचते हैं अच्छा वी आर प्रेइंग टू अग इसका शरीर शरीर वरीर कुछ नहीं है गुरु एक शक्ति है वो तत्व है इट्स एन एलिमेंट तो वो माध्यम बनता है जैसे आपके पानी तो सब जगह है लेकिन कहां से निकलता है निकलता आपके घर में पानी नल से ही निकलेगा ना फ्रॉम द टैप ऐसे ही जो uh, गुरु है गुरु इज एन एनर्जी एन आत्मा बट थ्रू द बॉडी थ्रू द वॉइस थ्रू द टॉकिंग थ्रू द जेस्टर्स द गुरु गुरु इज टेकिंग यू फ्रॉम डार्कनेस एंड ब्रिंगिंग यू इन टू लाइट ये बताते हैं, जो मुनिजन है ये वैराग्य से युक्त तो हो जाते हैं विच मीन्स देवन ऑफ थिंग्स बट ये वैराग्य आना इट कैनॉट बी फेक्ट हम फेक नहीं कर सकते हैं इसको क्योंकि ये जेन्युनली जब आता है तभी तभी हम इस मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं जो लोग भी फेक करके या जैसे किसी का जॉब छूट गया या या काम नहीं बना तो बोलता है अच्छा भाई इसमें क्या रखा है चलो अब हम सन्यासी ले लेते हैं या स्पिरिचुअलिटी में ही पड़ जाते हैं वो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर फेलियर्स यू सी इट्स नॉट फॉर पीपल हु डोंट सक्सीड इन लाइफ दिस इज फॉर पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल बट डोंट फाइंड द राइट एंसर इन लाइफ On the other way, it's completely completely inverted. But logo ko ye On the other hand, it's not, and what is success? Success is not just money, it's not just a big house, it's not just good-looking clothes. That's not success. Those are resources, that's just material. Be very, very clear in your mind. So, what is success? जो उसने भगवान का नाम ले लिया वो आपसे कहीं ज्यादा धन वो इकट्ठा कर रहा है जो पेड़ पेड़ के नीचे बैठकर उसके एक फल खाकर तृप्त हो जाता है उसकी स्थिति हमसे कहीं ऊंची है हम बड़े बड़े घरों में रहने वालों से और सबसे तो वी शुड नेवर जज एनी बडी टू तो से ओके ये छोटा है ये बड़ा है क्योंकि भगवान के दरबार में हम सब उनके बच्चे हैं हम सब वही भाई बहन है और ये पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार है ऐसे ही सोचना पड़ेगा जब तक ऐसा नहीं सोचेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति कहाँ होगी जब तक मैं मेरा और तू तेरा का भेद भाव रहेगा, तो वो जो ये वैराग्य जब आ जाता है इन मुनियों के तो इनके हृदय में ये परम तत्व परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं और ये शक्ति गुरु से प्राप्त होती है क्योंकि वो वो भी जो जिसके पास परंपरा हो जो किसी जिनके आगे कोई गुरु हो ऐसे ही नहीं कि कोई भी गुरु बन गया और उसके बाद बोलता चलो हमने तुमको शिष्य दे दीक्षा देंगे सम पीपल आर वेरी वेरी गुड एट टॉकिंग एंड देर वेरी नॉलेजेबल ऑल्सो एंड यू गेट वेरी इंप्रेस्ड बट देन यू आर एट द मर्सी ऑफ देयर थॉट्स सो ऑलवेज यूज योर ओन इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट एंड सी वेयर इज दिस लीनिएज गोइंग जैसे शिवानंद शिवानंद जी महाराज हैं डिवाइन लाइफ सोसाइटी इन इंडिया और स्वामीजी और वट एवर ऑर्गेनाइजेश रामाकृष्ण मिशन दीज आर ऑल वेरी गुड वन दैटनली गाइडिंग पीपल बट देन देर आर ऑल्सो वेरी मैनी रॉन्ग वंस फेक वन सो ये बुद्धि में आपको लगा के सोचना पड़ेगा जब आप बट वेन एवर दैट स्टेज कम्स देन यू विल नो राइट नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट अभी आपका सबसे बड़ा काम क्या है कि एक अच्छे साधक बनो गुरु की परीक्षा की अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसे ये नियम है भगवान का नियम है कि जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो एक शुद्ध गुरु को आना ही होगा ब्रह्मांड से खींच के उसको लाया जाएगा आपके सामने रामकृष्ण परमहंस के आंसू बहते थे बहुत भारी भारी कि कब कब आएगा नरेन कब आएगा मतलब ही न्यू ही वॉज वेटिंग फॉर विवेकानंद एंड छत पे चढ़ चढ़ के देखते थे कि कब मेरा शिष्य आएगा तो ऐसे भी होता है कि गुरु भी उतना ही तड़पते हैं एक अच्छे शिष्य के लिए सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ क्वांटिटी दिस इज अ क्वालिटेटिव मैटर यू सी ऑल दीज बड़े बड़े जो संत ऋषि मुनि होके गए हैं इनके बस थोड़े ही गिने चुने शिष्य ही हैं इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मैसेज की बहुत मैसेज को इम्प्रेस कर दिया या हमारा बहुत आर्टिकल छप गया या बहुत बुक्स हमने पब्लिश कर दिया ऑल दैट इज जस्ट जस्ट नॉन सेंस इट्स एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज ऑल इट डेक्ट्स योर ईगो तो हम ईगो को थोड़ी बढ़ाना है ईगो को तो कम करना है समस्या तो ये है कि हमको निर्मल होना है और भक्तिभाव जगाना है ठीक है ना तो ये इस भाव के साथ एकाग्र मन से भगवान का नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान राधन करें तो बिकम प्योर लाइक अ लोटस फ्लावर पानी में रहो लेकिन जल से प्रभावित मत हो एक भी बूंद उस पर पड़े तो नीचे गिर जाएगी बस उसको संभालती नहीं है ऐसे ही जो साधु संत है जिन लोगों को माया इतना सताती है है वो माया उनकी दासी बनकर रहती है, उनके चरणों को प्रणाम करती है माया और अपने आप कहाँ से भगवान उनके लिए उनका ध्यान करते हैं पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे कहेत तो कबीर कबीर तो हमको यही करना है केवल कि अपना मन हम निर्मल कर लें निर्मल मतलब मल हटा दो मल मीनिंग इंप्योरिटीज एंड दैट इज ऑल वी आर ट्राइंग टू डू बिकॉज़ एसेंशियली वी आर सच्चिदानंद हमारा स्वभाव शुद्धता और प्योरिटी है केवल हम उसको धीरे-धीरे उसको हटाना है जैसे ही वो हटेगा तो शुद्ध शुद्ध हम ऑलरेडी हैं तो ये हमने इसके साथ ही हमारा समय समाप्त हो गया है थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं लेकिन कोई बात नहीं बहुत आनंद का ये विषय था और हम आप हमारे प्रिय हैं भी हम और एक ही सत्संग परिवार हैं तो इसीलिए हम आपको अपने हक से बात करते हैं कि जैसे अपने परिवार में बात किया जाता है उसी उसी श्रद्धा भाव से हम आपको बताते हैं यदि कुछ अच्छा नहीं लगे तो आप क्षमा करना लेकिन जो संतों का काम है वो हम अगर नहीं करेंगे तो फिर हम न्याय नहीं कर रहे हैं तो ये इसीलिए और ये हमारा वाणी से कुछ भी नहीं आता है सब कुछ शास्त्रों की और गुरु की कृपा और उसके ज्ञान से तो उसके साथ ही हम इस सत्संग को अब विराम देते हैं और हम um, क्वेश्चंस uh, के लिए फ्लोर को खोल देते हैं जिन जिन को प्रश्न हो जैसे भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं चाहे माला रिलेटेड हो या आज का जो सत्संग हुआ है उस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं हरिओम एक मिनट श्री राम जी आई कैनॉट हे यू हाँ बोलिए हाँ आप सुनता है प्रणाम स्वामी जी बहुत ही डीप और बढ़िया सत्संग रहा माय गॉड सो प्रोफाउंड बहुत थैंक यू सो मच दो तीन सवाल मन में आते हैं एक आपने बताया कि ये अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष है वो बैकग्राउंड uh, उसमें uh, uh, um, uh, धर्म एथिकल प्रिंसिपल अर्थ इस रिसोर्सेस टू सप्लाई द धर्मा एंड देन इट कम्स टू काम सो so काम में Uh, I had asked this question before, uh, uh, also. Uh, you know, how about grahasti? In a grahasti, uh, there will be some sanyama uh, in your know, in uh, um, in uh, Patanjali Yoga. They describe not too much and not too little enjoyment, and divinizing your enjoyment. And uh, that remains a question: is what is your role towards your family? And uh, you need to support them at the same time you have to uh, turn your gaze to the to Bhagavan and the question is is that uh, those three vitteshana uh, pratishana uh, location desires are there so how to do the balancing act and uh, develop samyama while you are living the wide of a life of a grahasthi या वेरी वेरी गुड क्वेश्चन श्री राम जी एंड द आंसर इज रियली वेरी सिंपल लाइक वी सेट वी आर लिविंग इन गॉड्स वर्ल्ड है ना भगवान के संसार में हम जी रहे हैं ये संसार हमारा नहीं है ऐसे ही जो भी हमारे बच्चे हैं पत्नी है पिताजी हैं जो भी हमारा सोशल वैल्यूज के अंडर जो जो कुछ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी भगवान है भगवान का ही काम है गॉड वॉन्ट्स दैट वी शुड फुलफिल आर ड्यूटी अर्जुन को क्या बोले अर्जुन बोलता था सन्यास लेना चाहता हूं भगवान ने एक बोले गुस्से से अरे खड़ा युद्ध करो तुम्हारा काम है युद्ध करना एंड आई ऑलरेडी करनाज यू वेयर ऑरेंज रोब नो बडी बिकम्स एनीथिंग द ओनली रीजन वी वेयर इट इज बिकॉज नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल डोंट बॉदर एस मच बिकॉज संसारी बातों से हम परेशान नहीं होते दूसरा बात है इट रिमाइंड है। वो अकेला रहता है और सबको प्रकाश देता है तो वो वो काम हमको याद आता है तो इसीलिए छोड़ना कुछ नहीं है बल्कि अगर छोड़ोगे तो पाप लगेगा यह भी ध्यान से सुन लो अगर इफ यू आर नॉट रेडी फॉर इट एंड देन यू से अरे ठीक है uh, मैं आई अगर आपका बच्चा रो रहा है और आप इधर पूजा में घंटी बजा रहे हो दो घंटा तो उसका कोई फायदा नहीं वो पूजा व्यर्थ हो गई सो सी द गॉड डू प्रैक्टिकल थिंग्स डू प्रैक्टिकली वॉट्स नीडेडिक्योर एंड फाइंड दैट पीस दैट यू दैट लिटिल टाइम इट्स नॉट द क्वान्टिटी ऑफ टाइम दैट मैटर्स क्वान्टिटी इट्स द क्वालिटी अगर आप इतनी देर बैठे रहे लेकिन आ, कभी झोंके ले रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं माला पकड़ रखी है और परेशान भी हो रहे हैं कुछ फायदा नहीं तो फायदा तब है जब आप नहा धो के शुद्ध होके भगवान के चरणों में बैठकर दो ही माला करो दस नहीं करो दो ही कर लो लेकिन उसमें भाव डालो भगवान का ध्यान करो सो श्री राम जी दैट इज देंसर टू योर क्वेश्चन यू हैव टू सी गॉड बोथ प्लेसेज इन एंड आउट इनसाइड मीनिंग वो तो है ही आपके अंदर आपकी भावना कौन आपको सुलाता कौन आपको जगाता कौन आप में भक्ति रस वो विराजमान है लेकिन ये जो लोचणा वितेशना और पुत्रेशना की आपने बात की है दैट इज वेयर आवर डिस्क्रिमिनेशन हैज टू कम इन यू सी Uh, इसमें हमारे गुण तीन गुण रहते हैं सत्वा रजस और तमस तो जो तमस और रजस है दैट्स वाई वी से वेन यू कीप गुड कंपनी यू सी द क्रेन एंड द स्वान बोथ आर वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग वेरी व्हाइट एंड ब्यूटिफुल बट अ क्रेन इज ऑलवेज क्रेन भी ऐसे लगता है समाधि समाधि क्या करेगा जैसे ही मछली देखे खा जाता है, है. वही करता है और स्वान क्या करता है वो एकदम उस कहते हैं मिस्टिकल स्वान दूध से पानी को भी अलग कर सकता है और हंस हंस उड़ जाता है और मोती मोती ही पकड़ता है तो इस तरीके से हमको डिस्क्रिमिनेट करना होगा मेंट तो एनवायरमेंट को अगर आप कंड्यूसिव करें आइडियली ये है कि अगर आपके परिवार जन भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके पास आर्थिक कंफर्ट है फाइनेंशियल कोई इश्यूज नहीं है टाइम भी है तो बहुत सुंदर बात है कि एक छोटा सा आरती करो या छोटा सा डिस्कशन कर लो सत्संग कर लो बट बट लोकेशना विश्ना अगर रजस बहुत भरा हुआ है

हाँ, अभी सत्संग हो रहा है सडनली आपको कोई बोले अरे आपके बाहर अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऋतिक रोशन आया हुआ है आप सब लोग भाग जाओगे जिस जिसको मूवी में इंटरेस्ट है या उसमें इंटरेस्ट है स्वामी जी बाद में सी यू बाय गोड गो तो बस वो खत्म रजस आ गया आई वांट यू टू इंट्रोस्पेक्ट डीपली ऑन दीस थिंग्स दीस आर दीस आर वेरी इजी बात करना तो बहुत अच्छा है नारद मुनि नारायण नारायण लेकिन जब जिंदगी में आपके uh, कुछ हिलता है तब आप उसको कैसे संभाल पाते हो और अगर उसमें आप फ़ॉर्म हो रहे हो तो बीज सड़क पे गिर गया या आपने बीज को बोया श्री राम जी दैट इज द आंसर हाँ बहुत ही बढ़िया स्वामी बहुत ही बढ़िया तो और एक बोलिए एक्सटेंशन एक सवाल है गीता में कहा है कि आपको जितेंद्रिय बनना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए मगर ये भी बात कही है कि अगर अनटिल यू आर सेल्फ रियलाइज आप जितेंद्रिय फुल्ली नहीं बन सकते तो परहैप्स द वे वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट एंड रिक्वेस्ट द ग्रेस ऑफ द गॉड टू कंट्रोल द सेंसेस

एंड वी शुड ट्राई टू नॉट मेक द सेम मिस्टेक अगेन अगेन है ना एक बार हो गया तो उसके बाद पश्चाताप करें ध्यान करें और कोशिश करें कि हम जितना शुद्ध चल सकें उतना ही चलें और ये जो प्रकाश है आत्मज्ञान का प्रकाश है दैट इज जीवन मुक्ति में अगर नहीं मिलेगा तो क्रम मुक्ति अवश्य मिलेगा समझ गए ना क्रम मुक्ति दैट इज अ चैप्टर इन गीता टॉक्स अबाउट गोइंग टू द नॉर्दर्न पैथ व्हिच मींस यू आर स्टिल नॉट नेवर कमिंग बैक इन ह्यूमन एम्बॉडीमेंट तो आप लोगों का कल्याण होता जाएगा हम इवॉल्व होते चले जाएंगे और मुक्त हो जाते हैं तो इसीलिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है और रजस तमस और सत्वा इन तीनों गुणों को समझना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि जब तमस मीनिंग एनर्शिया एंड लेजीनेस एंड रजस इज लॉट्स ऑफ वर्ल्डली एक्टिविटी एंड दैट इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ सोशल थिंग्स वी लाइक टू डू लाइक एंड एंड गॉड डजेंट से

अगर हमारे में संयम की कमी है तो देखो इसीलिए भगवत गीता ये बताती है ये भी बताती है कि कछुए की तरह बन जाओ जैसे ही कुछ देखो अपने आप को अंदर कर लो जैसे ही कुछ व्यसन दिखना शुरू हो जाए अगर हमें पता है गैम्बलिंग हमारा प्रॉब्लम है और कोई आपको कैसीनो ले जाना चाहता है भैया बुद्धि यूज कर लो उसको बता दो कि आई एम सॉरी दिस इज नॉट समथिंग दैट आई नीड टू डू राइट नाउ डोंट फोर्स मी दैट इज नो डिसीजन वंस यू मेक दैट डिसीजन एंड यू गो डोंट ब्लेम योर फ्रेंड उसको he he so, um, uh, उसको भेज दो उसको, और, और अगर आप बहुत ही सेवा करना चाहते हो क्योंकि इंडिया से भी लोग आते हैं कैसीनो जाना चाहते हैं उनको प्रणाम करो उनको बोलो देखो आई विल टेक यू देअर आई विल वेट इन द कार यू हैव फन आई विल गिव यू ट्वेंटी डॉलर योर टोकन बट डोंकॉन्ग विद यू नमस्ते और आप क्या करो अपना ग्रंथ रखो साथ साथ पढ़ो आनंद लो लाइफ इज वेरी सिंपल सी वी है इजिली जस्टिफाइबल अरे वो आ गया था ना मैंने थोड़ी करना था वो आ गया तो अब क्या किया जाए अरे वो आ गया तो तुम अपना कर्तव्य करो तुम्हारी अंदर थोड़ी घुसेगा तुम्हारे दिमाग में तो सत्वा को इनक्रीज करते रहो दैट शुड बी योर प्रायोरिटी सत्वा मींस प्योरिटी है ना तो प्योरिटी क्या होता है जब हम सत्संग करते हैं इसका जितना आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे जितना आपके अंदर ये प्योरिटी आता जाएगा उतना ही सफाई होता जाता है और जब सफाई पूरा हो जाता है तो भगवान पर्दा हटा देते हैं इट्स लाइक पर्दे को रहने दो पर्दा ना हटाओ तो भगवान जब पर्दा पर्दा हटाएंगे तभी तो देखिए दिखेगा ना पीछे क्या है और वो तभी भगवान आएंगे क्योंकि पहले आपके हमारे अंदर तीन ग्रंथियां हैं कर्म ग्रंथि काम ग्रंथि अविद्या ग्रंथि तो अविद्या तो बाद में खुलती है पहले हमें कर्म और काम ग्रंथि को कंट्रोल करना पड़ेगा विच वाज योर क्वेश्चन राइट सो ठीक बहुत ही बढ़िया थैंक यू स्वामी हरिओम किसी और को माला पे कोई क्वेश्चन था लास्ट टाइम तो बहुत प्रश्न हुए थे तो एनी वॉन्ट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस और एनीथिंग और या कोई और प्रश्न है तो अभी हम बात कर सकते हैं ठीक है अगर नहीं स्वामी जी हाँ कोई किसी का प्रश्न नहीं है

से हम हम धैर्य मांगे भगवान से बुद्धि अच्छी बुद्धि भगवान हमको दें कि हम सत्वा हमारा बढ़ता रहे और फिर तुरिया में बदले दूध को मक्खन मक्खन को घी बस ये याद रखते रहो रखते रहो रखते रहो थे। थे। क्योंकि वरना हम क्या करेंगे कि हम कल्याण नहीं होगा मक्खन को जितना भी तुम चम्मच से शेक कर लो मक्खन थोड़ी बनेगा वो <laughs> समझ गए तो जब हम केवल इतना ही स्पिरिचुअल एफर्ट डाल रहे हैं चम्मच जितना तो वो उतना ही रहेगा लेकिन जब हम उसको मथेंगे अच्छी तरह कृष्ण कन्हैया की तरह जैसे उनकी माता जी करती थी तो उसमें से वो निकलेगा फिर है असली माखन निकलेगा तो वो भी हमारे अंदर ही है जब हम उस माखन को निकालते हैं वो कब निकलेगा जब घर्षण होगा घर्षण मीनिंग फ्रिक्शन थ्रू सत्संग थ्रू इंटरेक्शन थ्रू योर ओन एफर्ट थ्रू गुरुज एफर्ट थ्रू द डिवाइन ग्रेस तो डिवाइन ग्रेस भी फिर बरसना शुरू हो जाता है और आप सबको भी लगना चाहिए कि अच्छा इतना देर हो गया हमको सत्संग करते करते हाउ अगर आप जर्नल लिखेंगे अपना जर्नल लिखेंगे तो थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो आप ओवर द इयर्स आपका प्रोग्रेस समझ में आएगा कि आई यूज टू बी लाइक दिस वट एवर वर कमिंग वेर एम आई टूडे तो एवोल्यूशन के लिए स्वामी शिवानंद जी के ट्वेंटी इंस्ट्रक्शंस में से एक ये, ये भी रहता है राइट योर स्पिरिचुअल जर्नल तो um, आइडिया um, idea नॉट टू ओवर बर्डन यू विद होमवर्क बट द आइडिया इज टू शेयर थॉट कि आपके लिए कौन कौन सा ऑप्शन है तो बहुत धन्यवाद और कल्पना जी वो भाल जी वापस कब आ रहे हैं जी मैं उनके बारे में आपसे बताना चाह रही थी कि उनकी तबियत वहां पर भी जाके खराब हो गई है ओ हो तो जी उनको I think जो उनका वॉल्व का जो था तो वो उनको वहां पर वॉमिटिंग हुई और वो फिर से गिर गए जो उनको प्रॉब्लम होती थी तो उनका स्पाइनल में क्रैक आ गया है Oho, जी hmm, तो उनको अभी डेढ़ महीने का फुली रेस्ट बता दिया है तो उनका वैसे तीन फरवरी का शायद टिकट था पर अभी वो नहीं आ पाएंगे और पोस्टपोन कराएंगे सो so, hmm. क्योंकि अभी उनको पूरा कंप्लीट रेस्ट है उसके बाद फिर डॉक्टर देखेंगे फिर वो क्या कहते हैं तो hmm. अभी मुझे ये बात अभी एक वीक पहले की है तो आप स्वामी जी प्लीज उनको कॉल कर लीजिएगा उनको अच्छा, अच्छा लगेगा हाँ ठीक है अवश्य कॉल कर लेंगे वही नंबर है जो भाल जी का है जी वही नंबर व्हाट्सअप पर करना पड़ेगा बस इंडिया में आपको ना ठीक है भगवान ना की अलग तरह के डॉक्टर है अलग तरह का ट्रीटमेंट है उनका हो बहुत, 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 उनको मिस करते हैं, तो और बहन की तो भी वही उनको भी ऑक्सीजन काफी ड्रॉप वहां पर होती रहती है उनकी तो बता रही थी वो कि हर समय ऑक्सीजन के बाद भी ड्रॉप होती रहती है तो दोनों की स्थिति ही थोड़ी अच्छी नहीं है वहां पर भगवान थोड़े लंबे समय के लिए चले गए थे ना थोड़ा कम यही हम लोग भी सोच रहे हैं थोड़ा, थोड़ा कम, वो मंजू अच्छा, बहन बोली ना वहां पर वेडिंग है वहां पर टीका है वो वेडिंग और टीके के चक्कर में उन्होंने ना ज्यादा लंबा बना लिया प्रोग्राम नहीं तो एक महीने में हो आ जाते तो ठीक रहता ऐसा है कि हाँ प्रैक्टिकल रियलिटीज को हमको कभी भी चेंज नहीं करना है अगर हमारा शरीर साथ नहीं देता किसी चीज का और बाहर तूफान बह रहा है तो बहुत ब्रेव नहीं बनो घर में ही कव... अच्छा है कंफर्टेबली बैठे रहो और जब मौसम अच्छा हो जाए तब जाओ बट एनी वे उनके उनको भी हम हमारे बड़े प्रिय हैं भाल जी तो उनका हम तीन कम उनके लिए कर लेते हाँ, हैं बिल्कुल उनके लिए सब लोग मिलके आप लोग सब लोग श्रद्धा से सबके लिए जहां जहां कष्ट है लेकिन स्पेशली हमारे प्यारे भाल जी के लिए और मंजुला बहन के लिए जो हमसे कई वर्षों से जुड़े हैं और बहुत 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 ही प्यारे स्वामी जी वो आ, भी डिवाइन सोल्स हैं दोनों ही लोग इतने अच्छे हैं बहुत ही अच्छे आप तो खैर बहुत पुराने उनके साथी हैं जी, और जी, जब से हम भी जुड़े हैं बहुत ही प्योर सोल्स हैं वो लोग जो हैं दोनों हाँ बिल्कुल सत्संग यही है सत्संग ऐसे ही सोल्स को साथ लेके आता आई एम श्योर ईच ऑफ यू इज ब्यूटीफुल जिस जिस से हमारा संबंध होगा वही आप लोगों में करुणा और भक्ति भरी दृष्टि रहेगी तो बस आनंद ही आनंद है भगवान आप सब पे कृपा करें और मंगल बरसाएं और भाल जी का भी कल्याण हो और आप सबका भी कल्याण हो और सब स्वस्थ रहें अपना प्रैक्टिकल हेल्थ को ठीक रखना बहुत आवश्यक है तो और सामी जी मेरे साथ भी हो गया एक एक्सीडेंट मैं भी वहाँ क्रूज में गई थी तो मैं गिर गई थी स्टेयर से तो मेरे दो फ्रैक्चर हो गए पैर में तो मैं भी आजकल बेड पर ही हूँ तो ओहो, ओहो, अच्छा लेकिन आपकी शक्ति तो बहुत अच्छी है लगता ही नहीं की आपको कुछ कष्ट भी आया है तो ऐसे गीता और भागवत का कमाल है स्वामी जी की थोड़ी बहुत जो अंदर जाती है ना तो ये सब उसकी शक्ति है नहीं आपका ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव नेचर रखना चाहिए हर चीज में भगवान का कोई बड़ा काम छोटे में होके निकल गया वो कहते हैं सिर लेने आया और टोपी लेके चला गया मैं तो यही सोचती हूँ कि थैंक यू भगवान जी पर मैं कहती तो ठीक कर बिल्कुल सही कहा जब ये गिरी थी तो इसके सिर में भी चोट लगी थी सिर में भी लगी जी। ए, भगवान तो, तो सिर सिर में थोड़ा सा वो वो दिन दिन पड़ा रहा आठ दस दिन हाँ, तक तो ये था कि हेड इंजरी तो नहीं है हाँ बच गया अरे भगवान अच्छा चलो कुछ आपका ये विघ्न कट गया यही समझना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा विघ्न कटा हाँ कोई बड़ा बड़ा विघ्न कट जाता है और ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाल जी के लिए मंजुला जी, जी, जी के लिए वो बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे भी वापस आए यहाँ पर आएंगे तो आएं। अच्छा उपचार हो जाएगा तो चलिए सब और स्वामी बो... जी दीदी दी के लिए भी इनके इनके हाथ में फ्रैक्चर है एक डेढ़ महीने से अच्छी आपको क्या हो गया थी घर में ही अच्छा चलो आप तो, आप सब लोग ध्यान रखिए जैसे जैसे हम लोगों का आयु बढ़ता है वी भूल, पापा जी वो हंड्रेड के हैं और हमारे साथ ये ये देखिए सत्संग में रहते हैं कितना बड़ा उनका आशीर्वाद सोल है वो भी स्वामी जी बिल्कुल डिवाइन सोल है अरे बहुत डिवाइन सोल है और स्वामी जी के दर्शन भी होते हैं ये लोग तो बहुत हैं हैं पास में ही रहते हैं स्वामी जी के और हम भी ये आपको कम चोट पे ही टल गया हमें ये लगता है कि मतलब जितने जोर से गिरी थी बहुत चोट लगनी चाहिए थी उस हिसाब से बहुत कम चोट लगी और मैं बराबर मतलब बिस्तर में बैठी नहीं गीता और ये सब मेरा चल रेगुलर चल रहा है मैंने छोड़ा ओ, नहीं कुछ भी बल्कि बढ़ जाना चाहिए और एक्स्ट्रा टाइम लगाओ भगवान को हाँ, मैं थोड़ा लिख नहीं पाती। एक हाथ सीधे हाथ से तो लेकिन फिर भी मैं सुनती रहती हूँ बराबर पूरा बहुत और अच्छा कल्पना को बोल रखा है कि भाई तू लिखती रहे मुझे बाद में लिखवाना जब मेरा हाथ चल लगेगा तो बहुत अच्छा कुमुद जी आपकी भी जो शक्ति है और भक्ति है भगवान आपको मंगल करते रहे और आ, और कल्पना जी ऐसा है कि हम अभी हमारा विचार बन रहा है कि हम रिचमंड कुछ दिन के लिए आएंगे फेबर में और उसके बाद वहां से ही हम फिर मायामी भी जाएंगे तो अभी तो जैसे भाल जी का तो नहीं लगता इस बार ही हो पाएगा हमारा कुछ वहां पे इंडिया में कोविड हो पाएगा हाँ नहीं हो पाएगा तो हम रहेंगे फेबर सेकेंड से फेबर एट तक रिचमंड में रहेंगे तो कुछ दिन हम योगा योगावेल भी जाएंगे लेकिन भालजी तो होंगे नहीं क्योंकि नॉर्मली तो हम भालजी से ही मिलते हैं संबंध करते हैं उनसे लेकिन जी, 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 उसके बाद हम कुछ दिन के लिए मायामी जाएंगे वहां तो स्वामी ये होंगे ही हमारे श्री राम जी रेखा जी पापा जी तो जी, आप लोग भी देखना अगर आप लोग कुछ आना चाहते हैं उस समय हां मेरे पैर का थोड़ा भी और आपके भी पैर में कष्ट आ गया है तो वो सब हरि इच्छा जब जाकी भावना जैसे जब जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है सीता राम सही है बस सोचो छोटा होके और वास्तविक ये सत्य है आपको बता रहे हैं यदि कोई बुरा सपना आ गया तो आपका कल्याण हुआ दैट बुरा सपना वाज अ एक्चुअल थिंग दैट वाज गोइंग टू हैपन बट इट हैज नाउ कम इन योर ड्रीम एंड इट हैज सब्सटैंशियली रिड्यूस्ड ऐसे ही आप ये आपका सत्संग भगवान की शक्ति ये कीर्तन ये जो जप आप लोग कर रहे हैं यही शक्ति आप आपकी रक्षा करती है धर्मो रक्षति रक्षित जब हम धर्म की रक्षा करते हैं सत्संग की रक्षा करते हैं तो वो शक्ति भी हमारा लेकिन कर्म की गति तो रहती ही है कुछ कर्म एकदम कम हो जाते हैं कुछ कुछ सपने में आकर निकल जाते हैं जैसे पानी पर लकीर डाला तो थोड़ी देर के लिए वो लाइन दिखता है फिर खत्म हो जाता है लेकिन सीमेंट पे डाल दिया तो वो कभी नहीं खत्म होगा बाद में भी दिखता है तो इसी तरीके तो से तो स्वामी जी आप जब आएंगे तो फिर भेंट आपसे हम लोग जरूर आपके दर्शन एक प्रोग्राम रखेंगे जैसे पहले रखा था कोशिश करते हैं और क्योंकि वैसे ज्यादातर मेंबर मीरा जी भी इंडिया गई हुई है भाल जी भी हैं फिजिकल फिजिकल डजेंट मैटर हम तो यही जो है। लोग हैं वो तो मिलेंगे हाँ। मैं राकेश जी से बात करूंगी राकेश जी मैनेज कर लेंगे इस हाँ, क्योंकि को... हम कुछ दिन रहेंगे उसमें से कुछ समय हम चाहते हैं योगावेल भी जाएंगे स्वामी सच्चिदानंद जी का जो टेंपल है गोल्डन वो लोटस टेम्पल देखा हाँ देखा तो बस वरना एक मीटिंग हम कर सकते हैं वो भी अगर इच्छा हो आ, क्योंकि ये नहीं, जी, जी, नहीं हो लोग भी अवेलेबल होंगे करेंगे स्वामी जी एक मीटिंग तो जरूर करेंगे किसी के भी घर में आप कर सकते हैं हम आ जाएंगे हमारे पास गाड़ी तो रहेगा कोई समस्या नहीं है ये आपको ले लेंगे स्वामी जी कोई दिक्कत नहीं, है अगर आप जहाँ से कहेंगे आपको नहीं नहीं, नहीं नहीं हम हम इंडिपेंडेंट संत हैं हमारे पास गाड़ी हो रहा रहेगा जी, आप जहाँ बताएंगे जी, हम पहुंच जाएंगे क्या दिक्कत है जब अमेरिका में ही रह रहे हैं तो क्या फिर फिर क्या कष्ट है सब कुछ हो जाएगा और बस कुछ वो नहीं है केवल सत्संग के भूखे हैं और आप लोग भी भूखे हैं तो जहाँ जैसे आनंद आनंद अनंध ही रहेगा बस एक एक सत्संग रख लेंगे और थोड़ा जो आप लोगों के प्रश्न उत्तर होंगे वो कर लेंगे बाकी गुरु जी गुरुजी से जब आपका लात टांग ठीक हो जाएगा या या ये पूरे ग्रुप में अगर कोई भी श्री राम जी तो अब आपके उप गुरु ही है एक तरीके से जितने प्रश्न को पूछते हैं मुझको तो लगता है कि इनके आने से आपका सत्संग में तो एकदम आ गई है तो धन्यवाद श्री राम जी जो आप कर रहे हैं ये भी हम दोनों ये हमारे गुरु भाई हैं वैसे लेकिन जी हमें बहुत मान देते हैं ये इनकी बड़प्पन है तो आप लोग इनसे ही जुड़े रहिए और जब मौसम छोड़ेंगे तो नहीं है बिल्कुल छोड़ने ही नहीं देंगे इनको न, ना, तो ना, तो ना ना इनको साथ। इनको हमारा हमारा हाँ हा, ना 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 डू नॉट माय प्लीज वो ईगो वीगो कुछ नहीं वो सही बात है वो तो हम ही आपको ठीक कर देंगे आप चिंता नहीं करो <laughs> और इनको तो स्वामी जी मैंने क्या भजन में भी खींच लिया है दोनों लोग भजन में आते हैं हमारे भजन गाते हैं तो इनको तो नहीं छोड़ेंगे अब हम ना हम बहुत भाग्यशाली हैं जो श्री राम जी से हम जुड़े हैं वास्तव में इनका नाम भी बहुत बहुत सुंदर है और यह पूरा परिवार रेखा जी, जी पापा जी।, जी तो हम इसलिए बताना चाहते हैं कल्पना जी कि अगर आप नहीं भी जा, जा सकती हैं और कोई रिचमंड से अगर किसी का इच्छा है स्वामी जी को मिलने का क्योंकि हम वहाँ कुछ दिन तो रहेंगे मायामी आश्रम में एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव किसी को जीवन में कभी कभी आता है हमेशा नहीं मिल पाता है, है। ओनली फ्यू टाइम्स इन योर लाइफ यू विल गेट एन ऑपरचुनिटी और वो भी स्वामी जी अभी नाइनटी टू के हो जाएंगे जी, तो जी। जब तक उनका शरीर चलता है स्वस्थ है और केवल दर्शन मात्र से ही देखो हमारा तो दर्शन मात्र से ही पूरा जीवन बदल गया लेकिन इंस्टेंटली नहीं होता है धीरे 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 विद टाइम कंटिन्यू टू ग्रो लेकिन वो जो संकल्प छूटता है वो बहुत बहुत आगे वो तो श्री राम जी से आप पर्सनली बात कर सकते पूछ लूंगी बस आप कब तक रहेंगे अपना प्रोग्राम वहाँ पर कितना रहेगा ये वो थोड़ा सा को, था। हम तो हमारे हम हम पूरा उसका जी, डिटेल जी, कर भाई से मैं पूछूंगी, भाई पूछूंगी शायद इंटरेस्टेड होंगे राजेंद्र भाई तो ये भी इंडिया जा रहे हैं सुधा बहन भी इंडिया जा रही हैं तो लेकिन जो जो यहाँ पर अवेलेबल होंगे तो उनसे पता कर लेंगे और मेरे पैर को अगर डॉक्टर ने जरा भी ओके कर दिया तो फिर हम दोनों लोग भी आप अपना प्रैक्टिकल डिटेल संभालिए और उतना ही करिए जितना आप संभाल सकते हैं और जितना स्वस्थ रह सकते हैं तो चलिए ठीक है इस भावना साथ, इस भावना के के साथ साथ मंगल कामना हम सब लोग हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद दें। और भाल जी मंजुला जी के लिए और पूरे जहां जहाँ कष्ट है आप सबके लिए कुमुद जी और कल्पना जी और जो जो कई लोगों को कष्ट है सब जगह तो दुख है तो आप सबके कष्ट का निवारण हो नव वर्ष की शुभकामनाएं स्वास्थ्य अच्छा रहे तो तीन त्रयंबकम बोलकर आज के सत्संग को विराम दे देते हैं ओम त्र्यंबकम ये सुगंधिव बंधना मृत्योर मोक्षीय आमृतात ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव ऋकमिव बंधनान मृत्योर मोक्षीय ओम त्रियम्बक यजा महे सुगंधि पुष्टि वर्धनम ओम शांति 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 ठीक है आज के सत्संग का धन्यवाद धन्यवाद और... स्वामी जी बहुत बहुत आपके श्री चरणों में प्रणाम हमारे पूरे ग्रुप का प्रणाम आप जो हमें दे रहे हैं वो अमूल्य निधि कहीं से भी नहीं मिल सकती थी स्वामी जी तो सब गुरु कृपा है हमारे गुरु जी की जैसे श्री राम जी बोलते हैं वो केवल ये सब तो आ... इसकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है बस हम प्यार से बढ़ते रहें और सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा यही यही होती है कि ये जो शिक्षा है ज्ञान है इससे हमारा जीवन थोड़ा परिवर्तित हो थोड़ा आनंद आए और ये ज्ञान का जहाँ जहाँ हम वितरण कर सकते हैं सत्संग है भगवान का नाम है जितना चले उतना अच्छा हवा बहती पवन सबको अच्छी लगती है